जी अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, ये देखें कोमल मुकद्दस में बहुत ही खूबसूरत बर्फ़बारी शुरू हो रही है। पहले मौसम इस तरह था कि पहले एक दो माह सर्दी रही, फिर उसके बाद अभी ये तकरीबन हफ्ता हुआ था तो उसमें दोबारा से सर्दी गर्मी आ गई थी। तो अभी देखें अचानक से बर्फ़बारी हुई और ये हर तरफ ही सर्दी सर्दी और सफ़ेदी सफ़ेदी छा गई है। तो अभी भी ये रात से कल रात से बर्फ़बारी शुरू है, तो कल बल्कि यानी 24 घंटे ज़्यादा हो गए, ये बहुत ही सख्त तरीन बर्फ़बारी इसको इस साल की हुई है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम है। जैसा कि हमने मशहद में इमाम रज़ा के हरम की ज़्यारत कराई थी, उसमें बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई थी। उस व्लॉग में इस व्लॉग में हम बीबी का हरम दिखाएंगे, हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का, जो कि इमाम रज़ा की बहन और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। तो आज इस बर्फ़बारी के खूबसूरत मनाजर के मैं आपको हरम में के और इस तरह कुम के जो अतराफ़ में जो बर्फ़बारी पड़ी है उसके खूबसूरत मनाजर दिखाएंगे। तो चलें वीडियो की तरफ। अभी भी बर्फ़बारी माशाल्लाह हल्की हल्की शुरू है, तो ये तकरीबन ज़्यादा 24 से ज़्यादा यानी कल दिन से स्टार्ट हुई थी बर्फ़बारी और रात को भी रही और अभी तक देखें माशाल्लाह हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी छा गई है। अभी जा रहे हैं हरम, हरम इधर नज़दीक ही है, बहुत नज़दीक है। तो ये देखें रास्ते बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ी हुई है। गाड़ियाँ भी यहाँ पर अभी फंस चुकी हैं, जब तक ये बर्फ़ नहीं ख़त्म होगी तब तक ये गाड़ियाँ भी यहाँ से हरकत नहीं कर सकती। तो बर्फ़बारी का सिलसिला जो है अभी भी शुरू है, बोर रही हल्की हल्की अभी भी। तो ये रास्ते बिल्कुल ही सफ़ेदी सफ़ेदी छाई हुई है। जी नाज़रीन, वो सामने हरम के गुंबद आपको नज़र आ रहे होंगे, तो हरम बिल्कुल पास ही है। अभी ये यहाँ से जा रहे हैं हम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम हरम में पहुंच चुके हैं। तो हरम में देखें वहाँ बाहर से भी ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ी हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत मंज़र है बीबी के हरम का। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, खुदावंद मुताल आपको भी ऐसे मंज़र नसीब फरमाए। और इस मौसम में ज़्यारत करने का और हरम में आने का अपना ही एक सुरूर और अपना ही एक लुत्फ़ होता है। जी
नाज़रीन, अभी बर्फ़बारी बहुत तेज़ हो गई है, तो हम अभी चाहते हैं सहन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में, जो कि बीबी के हरम का सबसे बड़ा सहन है, तो उसमें भी देखते हैं कि वहाँ से अगर बर्फ़ नहीं हटाई होगी तो बहुत ही खूबसूरत मंजर हो गए हैं। वो बड़ा सहन है, वहाँ पर लोगों की रश भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से बर्फ़ जल्दी उठा देते हैं। तो आप देखते हैं कि वहाँ से बर्फ़ हटाई है या नहीं हटाई। जी अभी सहन में बर्फ तो काफ़ी पड़ी हुई है, तो ये अभी बर्फ़बारी तो पड़ी हुई है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हटा दी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मनाजर है। अभी भी बर्फ़बारी बड़ी तेज़ी से शुरू है। माशाल्लाह बीबी के सहन इमाम रज़ा में हम मौजूद हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। बर्फ़बारी अपने ज़ोर व शोर से जारी है, वो देखें माशाल्लाह बहुत तेज़ी से अभी बर्फ़बारी हो गई है। बहुत ही बेहतरीन मौसम है जी। अभी हम दूसरे सहन में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर बर्फ़ की क्या सूरत हाल है। बर्फ़ तो माशाल्लाह रुकने को है नहीं, बहुत तेज़ी से हो रही है। जी नाज़रीन, हम सहन जवादुल आइमा में पहुंच चुके हैं। ये भी बीबी का एक सहन है, पूरे इस तरह चारा बीबी के ज़री के, यानी बीबी का जो गुंबद है उसके चारों तरफ ऐसे सहन है। तो हम सहनों में घूम रहे हैं और देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही हर जगह बर्फ़बारी जमी हुई है। यहाँ पर देखें आप, फुहारा था बिल्कुल बर्फ़ से जम चुका है। माशाल्लाह बीबी के हरम के कबूतर ये देखें। अभी बर्फ़बारी बहुत तेज़ हो चुकी है, देखिए आप, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अभी बर्फ़बारी पहले की नस्बत अभी तेज़ हो गई है। तो उस सहन में जाते हैं, वो बाहर वाला सहन, वो भी जवाद अलमा का सहन है, लेकिन वो बाहर वाला आता है, तो उसमें ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ी हुई है। जी नाज़रीन, ये सहन जवाद आइमा में हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बर्फ़बारी पड़ी हुई है यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर पिघली नहीं है ज़्यादा,
इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ी है। यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2-2 फुट तक तकरीबन बर्फ़बारी है यहाँ पर। तो माशाल्लाह बर्फ़बारी यहाँ पर पहले की दूसरे शहरों की नस्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ी है माशाल्लाह। क्या ही खूबसूरत मनाजिर है। नाज़रीन ये देखें हरम के हम इस तरफ आ चुके हैं। सैन जवाद लहमा के सैन है, यहाँ से खुरुजी है, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ से बीबी के हरम का नज़ारा देखें। आपको बीबी के हरम का जो चाय खाना है, जो जिसमें बीबी के हरम से लंगर या मसलन जो चाय दी जाती है, तो उसके भी मनाजिर आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन अभी हम सैन साहिब ज़मान अल्लाह फरज शरीफ में पहुंच चुके हैं। यहां से आपको बीबी की ज़री की ज़ियारत कराते हैं, अंदर चलते हैं तो वहां पर आपको बीबी की ज़री की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बीबी की ज़री की ज़ियारत कर ली है, तो आपके लिए भी दुआ दो रहे हैं। खुदावंद मुताला आपकी भी हवाई शरिया को पूरा फरमाए और आपको भी यहाँ पर आना जल्द से जल्द नसीब फरमाए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम में ज़ियारत का अपना ही एक लुत्फ होता है। तो यहाँ बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हमारे हाथ काम नहीं कर रहे।